हेलो गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं आशुतोष कॉलेज का फुल फॉर्म फिलअप। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। अगर फुल हम लोग वीडियो नहीं देखें तब गलत होने का चांसेस ज्यादा है, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ फुल वीडियो देखो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वेट क्यों कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। और बहुत सारे कॉलेजेस का फॉर्म फिलअप ऑलरेडी बन चुका है, जाके देखो, चैनल को थोड़ा विजिट कर दो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आशुतोष कॉलेज का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले गूगल में सर्च करो आशुतोष कॉलेज। यहाँ पे देखो एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पेज आएगा। यहाँ पे देखो एडमिशन सेशन 2022, ये 2023, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके अब देखो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक चिन्ह आ रहा है, तो उस पर यहाँ पे क्लिक करना है। डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये पेज खुलेगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, अप्लाई नाउ न्यू एप्लीकेंट। वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। एनएसी ए ग्रेड का कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अगर एक बार तुमने भर दिया गलत फॉर्म तो फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट, इसीलिए अच्छे से देख लो एक बार, सारा का सारा डाउट हटाओ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने पर यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस तुमको दिए जाते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस तुमको फॉलो करने हैं और ये फॉलो एक बार कर लेना। इसमें यही सब बोला गया है कि सारा का सारा डेटा तुमको करेक्टली भरना है, करेक्टली सब सारा डेटा देना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे फोन में, तुम्हारे मैसेज, फोन के मैसेज में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा और पासवर्ड दिया जाएगा। ये सब चीज एकदम अच्छे से देख लो। और नीचे में एक बॉक्स दिया हुआ आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और इसके बाद देखो यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इसके बाद ये सारे डिटेल्स तुमको भर देने हैं। जैसे फर्स्ट नेम अगर मैं भरूं तो फर्स्ट नेम ऑलरेडी यहाँ पे मैं अपना अपना नाम से, जो तुम्हारा नाम, जो तुम्हारा रियल नेम है वही डालना, किंग क्वीन नहीं जब डालना, फेसबुक वाला नाम नहीं चलेगा यहाँ पे। जो एडमिट कार्ड में नाम दिया हुआ है वही सब डालना, जैसे अभिषेक झा मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर डाला हूँ, मोबाइल में यहाँ पे फोन नंबर डाला हूँ, ईमेल में ईमेल आईडी डाला हूँ यहाँ पे से मैं। और इसके बाद बोर्ड डालना है, कौन से बोर्ड से तुम पास हुए, मतलब डब्ल्यूबी बोर्ड से या सीबीएसई से या आईसीएसई से, ठीक है। तो ये सब डालना है। उसके बाद पासिंग ईयर डाल देना है, अगर मतलब ये 2020 में पास हो गए तो तुम अभी भरने वाले हो तो वो भी चलेगा, 21 में पास हुए थे अभी भरने वाले हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2023 डाल रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर जो एडमिट कार्ड पे तुम्हारा है वही डालना पड़ेगा, और मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे तुमको अपना जो रोल नंबर है वही डालना है। एडमिट कार्ड पे देखो, अपना एडमिट कार्ड पे रोल नंबर तुम्हारा दिया होगा, उस रोल नंबर को डालना है, ठीक है। उसके बाद ये सबमिट का बटन यहाँ पे डाल देना है, सिंपल। सबमिट का बटन डालने के बाद एक ओटीपी आएगा तुम्हारे फोन नंबर में, जो फोन नंबर तुमने दिया था उस फोन नंबर में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने में थोड़ा सा लेट आता है नॉर्मली ओटीपी, लेकिन ओटीपी आ गया मेरे फोन में तो मैं इसको डाल देता हूँ। ओटीपी 367061, हाँ। तो ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ओटीपी डज नॉट मैच आया है, इसीलिए ओटीपी को ध्यान से डालना हमेशा। हालांकि ओटीपी सेम ही मैंने लिखा है फिर भी डज नॉट मैच आ रहा है, फिर एक सबमिट करके देखते हैं। लेकिन अगर फिर भी मैच नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हो, तुम रीजनरेट ओटीपी कर सकते हो। ओके, एक मिनट रुके दोस्तों, ओटीपी मैच करके आप लोगों को यहाँ पे, हाँ दोस्तों ओटीपी आ चुका है, अब इसको डाल के देखते हैं एक बार मैच करता है कि नहीं। 726671, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आप लोग सबमिट एंड लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो एक अलग ही पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को और डिटेल्स डालने पड़ेंगे। सबसे पहले अपना जेंडर डालिएगा, उसके बाद जेंडर मतलब मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, यहाँ पे जनरल है, एससी है, एसटी है, ये सब आप लोग को डालना पड़ेगा। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास तो बिल्कुल नहीं डालिएगा, अगर है तो ही डालिएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप पढ़ते हैं तो आप यस डालिएगा, नहीं है तो नो डालिएगा। ओके, इसके बाद पीडब्ल्यू में डायरेक्टली आप लोग नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ एकदम एक्यूरेटली डालना है, क्योंकि लॉगिन के वक्त वही डेट ऑफ बर्थ आप लोग का मांगेगा, है ना। सब कुछ, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट वे में होना चाहिए, वरना तुम्हारा फॉर्म बहुत जल्दी ही रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक हिपोथेटिकली यहाँ पे
मतलब डेट ऑफ बर्थ दे दिया। अगर स्पोर्ट्स लेवल में तुम कोई भी लेवल में खेलते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं हो स्टॉप स्पोर्ट्स लेवल में तो मत डालना प्लीज, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये टेंथ का जो परसेंटेज आपका आया था वो वाला डालना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। इसके बाद देखिए गार्जियन नेम आप लोग अपना डाल दीजिए, तो गार्जियन नेम जस्ट कुछ भी हो सकता है, गार्जियन नेम आप लोग अपना, ये पापा को भी बना सकते हो, मम्मी को भी बना सकते हो, तो यहाँ पे देख लो। और गार्जियन का फोन नंबर यहाँ पे डाल देना, मैं कुछ भी यहाँ पे रैंडमली डाल दिया। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद तुमको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है अपना। स्ट्रीम में तुम आर्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कॉमर्स, साइंस एंड वोकेशनल। तो मैं यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल नेम में जो एक्यूरेट तुम्हारा स्कूल नाम रहेगा वही डालना, और इसके अगेंस्ट कुछ भी अलग अलग मत डालना वरना गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड में यस या तो नो, तो हमेशा नो डालना है इसमें, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हम लोग नहीं रहते हैं मेनली। और इसमें अब सब्जेक्ट्स का बात आता है, तो सब्जेक्ट्स आप लोगों को प्रॉपरली ध्यान रख के देना है। सबसे पहले इंग्लिश आप लोगों को देना पड़ेगा, तो इंग्लिश आप लोग देखिए, इंग्लिश सिंपली इंग्लिश ये डाल दीजिएगा, हमारा इंग्लिश ए बी नहीं रहता। यहाँ पे फुल मार्क्स डालना पड़ेगा, फुल मार्क्स कितना कितना का है, 80 का, ओके। प्रोजेक्ट यहाँ पे 20 का हुआ था। अब देखिए, अब हम लोगों को मार्क्स ऑब्टेन डालना पड़ेगा, कितना मार्क्स आप लोगों को मिला है इसमें से। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को 75 मिला 80 में से, और हम लोग 15 मिला है प्रोजेक्ट में से। जो एक्यूरेट मार्क्स है वही डालना पड़ेगा, वरना तुम्हारा फॉर्म गलत हो जाएगा। उसके बाद हिंदी के बाद इंग्लिश के बाद हिंदी हम लोग डाल देते हैं इसमें। आप लोग का अगर बंगाली रहेगा तो बंगाली डाल सकते हैं, उर्दू रहेगा तो उर्दू डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे थियोरी में आप फुल मार्क्स यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे वापस से देख सकते हैं मैं जितना भी मार्क्स ऑब्टेन हुआ है इसमें से वो सब डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग ने स्ट्रीम साइंस सेलेक्ट किया था तो उसके हिसाब से हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक हम लोग केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, केमिस्ट्री मान लीजिए 80 का था और यहाँ हमें मिल गया 71 और इसमें मिला 16। तो इस तरह से हम लोग सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स का सब्जेक्ट चूज कीजिएगा इसके बाद, ठीक है। अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, ये सब सेलेक्ट कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लिए, यहाँ पे देखिए 80 और यहाँ पे 20, यहाँ पे 71, यहाँ पे 17 कर दिए। तो जस्ट ऐसे ही आप लोग बिल्कुल, अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 ही डालना, अगर 4 सब्जेक्ट है तो 4 डाल, मतलब 4 सब्जेक्ट नहीं है, मतलब अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 डालना, अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 डालना, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, ओके। अच्छा इसमें भी हम लोग 71 डाले हैं और इसमें 15, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं। 6 सब्जेक्ट भी डाल ही देते हैं, इतना डाले हैं तो, है ना। चलिए कुछ भी एक डाल देते हैं, जियोलॉजी डाल देते हैं 80, इसमें 20, इसमें 72 और इसमें 19 डाल देते हैं, ओके। तो इस हिसाब से अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, देखिए अपने आप टोटल हो गया। एनवायरमेंटल स्टडीज आप लोगों का नहीं था तो मत डालिए, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, डालना ही पड़ेगा। पासवर्ड आप लोग सही से डालिए क्या, और मोबाइल में एक मैसेज आएगा, वो मोबाइल में मैसेज आप लोग हमेशा देखिएगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का आएगा, वो आप लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है, फिर बाद में नहीं लॉग इन होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये पासवर्ड रख के और यहाँ पे टिक कर देना, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट्स मेड अबव आर ट्रू, ओके। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को कुछ फोटोज अपलोड करने हैं। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। मिनिमम साइज यहाँ पे 10KB बोल दिया गया है। तो अब देखिए, कैंडिडेट्स फोटो मतलब 30KB के अंदर रहना चाहिए। मैं कुछ भी अभी फोटो यहाँ पे दे रहा हूँ, और चूज फाइल करके अपलोड कर देना है, जस्ट चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। और कैंडिडेट सिग्नेचर का भी वही, चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। एडमिट कार्ड का भी वही करना है, चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। एडमिट कार्ड 150KB के बीच में रहना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी, ठीक है, वही फॉर्मेट में जो आप लोग फोटो खींचते हो वही फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर दिए। फिर
सिंपल ऐसे करना है और सिंपल ऐसे करके कंटिन्यू का बटन हम लोग दबा देंगे। कंटिन्यू का बटन दबा के यहाँ पे आप लोग को कोर्स सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, कौन से कोर्स में आप लोग रजिस्टर करना चाहते हो। देखिए हम लोग ने साइंस लिया था तो थ्री इयर्स भी, मतलब अगर आप लोग तीन साल का कोर्स चूज कर रहे हो, अगर आप लोग तीन साल का कोर्स चूज कर रहे हो तब आप लोग जनरल कैटेगरी के रहोगे, ये तब आप लोग जनरल करोगे, तब आप लोग पास कोर्स करोगे। अगर ऑनर्स करना है तो चार साल का चूज करना पड़ेगा, फोर इयर्स का चूज करना पड़ेगा, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हो, बोटैनी मैंने चूज किया है और यहाँ पे केमिस्ट्री चूज कर दिया और जूलॉजी चूज कर दिया, मेजर सब्जेक्ट टू मेजर सब्जेक्ट वन, ओके। और यहाँ पे कंपलसरी लैंग्वेज आप लोग को पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश हिंदी या तो बंगाली, ये सब करके आप लोग एड टू माई एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा एक्चुअली कॉम्बिनेशन खराब हो गया, चलिए अब एक बार देखते हैं करके, मतलब कॉम्बिनेशन सही सही से चूज कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देगा। इस तरह से आप लोग चूज करके अब आप लोग क्या कीजिएगा, प्लीज सेलेक्ट एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, यहाँ पे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हम लोग बंगाली चूज कर लेते हैं, इसको हिंदी चूज कर लेते हैं, एड टू माय एप्लीकेशन कर देंगे। एड टू माय एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग प्लीज सही से चूज कीजिएगा, वरना बहुत दिक्कत होने वाला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग बहुत सही से, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो, बहुत अच्छे से चूज करना। वैसे तो कॉमर्स का पढ़ाई यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब करके उसके बाद यहाँ पे आप लोग कंफर्म का बटन दबा देंगे, आप लोगों का सारा फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का फोन में एप्लीकेशन आएगा, फोन में एप्लीकेशन आएगा और वो एप्लीकेशन को आप लोगों को प्रिंट करना है नॉर्मली, ठीक है। तो प्रिंट करके या तो डाउनलोड करके रख लीजिए, बाद में आप लोगों को वेरिफिकेशन में काम आएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। आशुतोष कॉलेज का कन्फर्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।